हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो मेन टॉपिक वो क्या, एनालिटिक फंक्शंस, जिसका आपका इंतजार था। इस टॉपिक एनालिटिक फंक्शन से आपके होम एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप देखें नेट या गेट में भी क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। तो ये टॉपिक जो है एनालिटिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट एनालिटिक फंक्शन पे जाने से पहले हमें यहाँ पे पहले तो समझना पड़ेगा ना कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होते हैं, या मैं यूँ बोलूँ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर इन फंक्शंस की किसी पॉइंट पे लिमिट की बात कर ले, कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफ्रेंसिबिलिटी, इतनी चीज़ें पहले अगर हम समझेंगे ना, तभी हम एनालिटिक फंक्शन पे कमांड बना पाएंगे। तो जो मेन टॉपिक यहाँ हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं लिंक करूंगा, आपको पीछे ले जाऊंगा। रिकॉल करते हैं रियल फंक्शन ना, रिकॉल करेंगे रियल फंक्शन क्या होते थे। तो रियल फंक्शन में देखिए, ए और बी अगर मैं दो सेट्स लेता हूँ, ठीक है ना, जो कि सबसेट हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के। तो यहाँ पे एक जो फंक्शन था एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये क्या होता था, जो डिफिनीशन में उसको रिकॉल कर रहा हूं, ये एक एसोसिएशन होता है या रिलेशन होता है सेट ए से सेट बी पे, सच दैट ये दो मेन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक एसोसिएशन या रिलेशन होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि एफ जो है एक फंक्शन है, ठीक है। अगर डायग्राम वाइज समझना चाहें तो ऐसे हम लिखते थे ना, यहाँ पे ये मेरा सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है ना, और ये एफ जो है एक एसोसिएशन या रिलेशन है। तो इसको मैं फंक्शन कब बोलता था, यहाँ पे भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, मे बी फाइनाइट इनफाइनाइट, डिपेंड करता था। तो यहाँ का हर एक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक एसोसिएशन होता था, ये हमारा डेफिनेशन था। यूनिक मतलब केवल और केवल एक। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कंडीशन, जो डोमेन कंडीशन में बता रहा था अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, कि यहाँ के ईच एलिमेंट का, मतलब हर एक एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, कुछ इस तरह से जस्ट मैं आपको बता दिया। तो ये इसको हम बोलते क्या थे, इस रिलेशन या इस एसोसिएशन को बोलते थे ये फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेम उसी तरीके से अगर आप ये समझ गए तो अब मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ, या फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक एस जो है एक मैं सबसेट लेता हूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, या मैं यूं बोलूं कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक सबसेट है, ठीक है ना, ये सबसेट है, ऐसे मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं यहां पे। अच्छा एक मिनट, यहां पे इसको क्या बोलते थे आप, डोमेन सेट बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, कोडोमेन सेट ना, जो रियल फंक्शन हमने सीखा। तो डोमेन सेट में मैं ये सेट एस ले रहा हूं, कोडोमेन में आप कुछ भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ले सकते हैं पूरा पूरा, या मान लीजिए मैं वी ले लेता हूँ, वी भी क्या है, ये सबसेट है कॉम्प्लेक्स प्लेन का, ठीक है ना, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो यहाँ पे भी सेम रूल है कि एक एसोसिएशन या रिलेशन, यू भी मैं बोल सकता हूँ, एफ फ्रॉम एस टू वी, इसको मैं बोलूंगा ये फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, अगर सेम डिफिनेशन यहाँ पे जो था कि यहां का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां का ईच कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यहां पे एक ना, यहां पे एक एसोसिएशन मिले, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा क्या ये फंक्शन है। तो बिल्कुल डिफिनीशन जो है ना रियल फंक्शन से मिलता जुलता है, ठीक है, रियल फंक्शन से मिलता जुलता है। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना हुआ तो मैं डिफिनीशन लिख देता हूं आपके नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं क्या बोलता हूं, लेट एस को मैंने लिया, सबसेट लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं अ फंक्शन एफ ऑन द सेट एस इज अ रूल, यही ना, रूल या एसोसिएशन आप बोल सकते हैं, इज अ रूल दैट असाइंस ईच जेड बिलोंग्स टू एस ना, हर एक एलिमेंट को ईच
यहां पे देखिए ईच लिखा है हर एक को, इतना टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू, डब्ल्यू या ओमेगा जो भी बोलिए, ठीक है ना। और ये यहां पे क्या होगा, अगर मैं ये से ऐसे एस टू भी ले रहा हूं तो ये वी पे, वी का एलिमेंट मतलब यहां पे। ये इसका सिंपल सा डिफिनीशन है। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं ये सब कुछ आप करके आए हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, डब्ल्यू इजकल टू एफ ऑफ जेड, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इस एफ को हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और वी अगर मैं यहां पे वी ले रहा हूं इसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। लेकिन इंटरेस्टिंग केस क्या, यहां पे समझिएगा, यहां पे एस को डोमेन बोलते हैं ना, तो ये डोमेन अभी जस्ट हमने लास्ट वीडियो में जो रीजन और डोमेन किए ना, रीजन डिफाइन किया, ओपन कनेक्टेड सेट याद करिए, ठीक है ना, ओपन कनेक्टेड सेट को हम क्या बोलते थे, डोमेन। और डोमेन में लिमिट पॉइंट्स इसका कुछ या नहीं, कोई नहीं या सारे लिमिट पॉइंट्स को ऐड कर देते थे तो रीजन बनता था। तो यहां पे जो डोमेन हमने डिफाइन किया था ओपन कनेक्टेड सेट, वो एग्जैक्टली यहां पे वो नहीं है। ये फंक्शन के डिफिनीशन में जो डोमेन आता है वो है। तो मैं यहीं पे क्लियर कर दिया कि ये डोमेन और यहां पे फंक्शन का डोमेन अलग अलग हो सकते हैं। कुछ केसेस में आपको ओपन कनेक्टेड सेट ही ले लेते हैं, मतलब जो ये डोमेन है वही इस फंक्शन का डोमेन हो जाता है, लेकिन हमेशा कोई जरूरी नहीं है। तो ये डोमेन अलग है इस डोमेन से। ये डोमेन जो हम अब तक पढ़ते आए, डोमेन ऑफ डिफिनीशन। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जांपल अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, ठीक है ना, एक एग्जांपल, तो सबसे आसान एग्जांपल यहां पे एफ फ्रॉम, देखिए मैंने एस को क्या लिया था, सबसेट ऑफ सी ना, तो मैं सी टू सी डिफाइन कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एफ फ्रॉम सी टू सी, सच दैट यहां का जो नंबर मैं ले रहा हूं ना जेड, यहां का नंबर मतलब वेरिएबल जेड, ये किस पे मैप होगा, जेड स्क्वायर पे, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहां पे एक एग्जांपल ले लीजिए, एफ फ्रॉम मैंने यहां पे एक सेट ले लिया, एस ले लिया। अब ये एस जो फंक्शन डिफाइन कर रहा ना उसके अकॉर्डिंगली ये आएगा, एस टू सी ले लिया, सच दैट जो डिफिनीशन हम लिखते हैं ना स्क्वायर रूट वाला, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, सच दैट डब्ल्यू इजकल टू एफ जेड, यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया, डब्ल्यू इजकल टू एफ जेड, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड, मतलब जेड के पावर 1/2, ठीक है ना। अब डिपेंड, इसलिए यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा आपको कि कुछ इसमें कंडीशंस होते हैं ना सिंगल और मल्टीपल वैल्यू डिफाइन करने के लिए, तो ये मैटर नहीं करता। जिसपे ये सबसे लार्जेस्ट सेट जिसपे ये फंक्शन ये वाला डिफाइंड हो वही हम डोमेन ले लेते हैं। तो मैंने इसलिए जनरल एस लिख दिया, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे ठीक है, ये कोई बात नहीं, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइंड होता है। एनीवेज, तो इस तरह से मैंने जो डिफाइन किया, ये आपके दो एग्जांपल्स हुए कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के, ठीक है ना। तो ये हुए मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का बेसिक डिफिनीशन है फ्रेंड। जैसे अब मैं बोलूं इमेज निकालना, तो जेड इजकल टू अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आई ले लिया ना, तो इसका इमेज क्या होगा, तो एफ ऑफ आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर मतलब -1, तो यहाँ का जो आई है वो यहाँ पे -1 पे मैप होगा या -1 से रिलेटेड होगा, जैसे भी आप बोलना चाहें। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको मैं जरूर बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए अभी, ठीक है। अब ये तो फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बेसिकली दो टाइप्स के आते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है दो टाइप के आते हैं, सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड ना, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टीपल वैल्यूड, ठीक है, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टीपल वैल्यूड। तो यहां पे जो एस लिखा है ना, जब मल्टीपल वैल्यूड मैं एग्जांपल बताऊंगा तो वहां से आप फिर एग्जैक्टली एस को निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, उसको सिंगल वैल्यूड करने के लिए मैं करूंगा। एनीवेज, यहां पे आते हैं, चलिए। सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड मतलब क्या हुआ कि ऐसे फंक्शन, ठीक है ना, जो यहां का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी एलिमेंट लो ना, उसका एक ही इमेज आए, जैसे ये वाला एग्जांपल, ये क्या हो गया, सिंगल वैल्यूड हुआ। लेकिन ऐसे भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बनते हैं
जो मल्टीपल बाय लोड होते हैं, मतलब कोई एक जेड लोड है तो उसकी दो इमेजेज आती हैं, और ऐसा रियल फंक्शन में जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम नहीं लेते हैं। लेकिन मल्टीपल बाय लोड का एग्जाम्पल, जरा एक रियल एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अगर मैं डिफाइन कर दूं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, याद करिए, तो आप देखते ही बोलते थे कि ये पैराबोला है बट ये फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर एक एक्स मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल वन ना, तो वाई की दो वैल्यूज आती थी ना, क्या प्लस वन और माइनस वन, अगर एक्स को मैं सिंगल वन लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्स इक्वल टू वन है ना, ठीक है ना, इसके लिए मतलब ये जो है y की दो वैल्यूज, मतलब दो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होता, एक वन और दूसरा जो है माइनस वन। तो लेकिन मल्टीपल वैल्यूड, अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये मल्टीपल वैल्यूड है ना, लेकिन जो हम फंक्शन रियल फंक्शन डिफाइन करते थे, यहाँ का ईच एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक एसोसिएशन, मतलब एक ही इमेज आनी चाहिए, तो हम इस डिफिनीशन को ध्यान में रखते हुए बोलते थे कि ये रियल फंक्शन नहीं है। लेकिन इसी को अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, ये लिख देता था ना स्क्वायर रूट एक्स या फिर y इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स, तो इसको आप बोलते थे कि ये फंक्शन है, क्योंकि ये फिर जो उस केस में सिंगल वैल्यूड, एक एक्स की एक इमेज आती थी। समझा पाया ना, सेम यहां पे चलता है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है, लाइक यहां पे ये एग्जांपल लिया मैंने रियल फंक्शन, यहां पे भी क्या होता है कि एक जेड जो यहाँ का ना, यहाँ के एक से अधिक जेड मतलब एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हो जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, हाँ ठीक सही तो लिखा है, मल्टीपल वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड, ठीक है ना, दोनों लिखते हैं, मल्टी वैल्यूड या मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है मेरा मल्टीपल, सिंगल वैल्यूड तो आपको आसान है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मल्टीपल वैल्यूड पे मैं आना चाहता हूं। देखिए ये तो मल्टीपल वैल्यूड का एग्जांपल जो है आपका ये वाला है, fz इक्वल टू, ये fz इक्वल टू z के पावर 1/2, ठीक। अब ये क्या है, स्क्वायर रूट। अब थोड़ा सा आप लिंक करिएगा जो हमने किया था nth रूट ऑफ यूनिटी, ऐसा कर रहे थे ना, nth रूट किसी भी यूनिटी नहीं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट, n रूट्स आते थे याद करिए, तो उसी तरीके से अगर ये स्क्वायर रूट ले रहे हैं, मतलब सेकेंड रूट ले रहे हैं ना, तो इसके दो रूट्स आते थे ना, मतलब क्या हुआ कि इस fz की वैल्यू, अगर इसी को मैं w लिखूं तो w की दो वैल्यूज आएंगे, और वो वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पे अल्टीमेट, अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, z को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल r e टू द पावर i थीटा ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो इस w की दो वैल्यूज आती हैं, क्या क्या आएंगी, प्लस माइनस अंडर रूट आर, ठीक है, और ई टू दी पावर आई थीटा बाई टू, तो इसकी दो वैल्यूज आती है। अगर जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे ले रहे हैं वो अगर पोलर फॉर्म में जेड इजकल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा लिखता हूं, तो इस डब्लू की दो वैल्यूज आती है, मतलब रूट जेड की दो वैल्यूज होंगी, प्लस माइनस अंडर रूट टू ई टू दी पावर आई थीटा बाई टू, मतलब क्या हुआ, इसको दो पार्ट में ब्रेक करें तो अंडर रूट आर e टू दी पावर आई थीटा बाई टू और अंडर रूट आर माइनस साइन के साथ e टू दी पावर आई थीटा बाई टू, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ये मल्टीपल वैल्यूड होता है, इसकी दो वैल्यूज आती है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जनरली हम देखेंगे कि सिंगल वैल्यूड भी होते हैं और मल्टीपल वैल्यूड भी आते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो मेन जो फोकस होगा ना, हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे, कॉन्टिन्यूटी की बात करें, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, एनालिटिक फंक्शंस की बात करें, तो जो कुछ भी हम बात करते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शंस के लिए। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऐसा है जो कि मल्टीपल वैल्यूड है, तो इसको हम सिंगल वैल्यूड कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम सिंगल वैल्यूड कैसे बना सकते हैं, तो वही पे कॉन्सेप्ट आता है ब्रांच पॉइंट, ठीक है ना, या फिर ब्रांच लाइन। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा कि किसी भी मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन को हम सिंगल वैल्यूड कैसे बना सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसके डोमेन को, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां पे आ जाता हूं, यही पे मेन कॉन्सेप्ट आएगा, ब्रांच पॉइंट, ब्रांच पॉइंट्स एंड ब्रांच लाइंस, ब्रांच लाइन, ठीक है ना, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जांपल, सेपरेट एग्जांपल,
सेपरेट एग्जाम्पल नहीं, इसी एग्जाम्पल को लेके मैं आपको डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। बिल्कुल मैंने बेसिक आपको डिफिनेशन, ये चीजें सब पता है, मैं एक्चुअली नहीं भी बताता, ये ना रियल फंक्शन वाला जानते हैं, वही डिफिनेशन तो मैं यहाँ पे लिखा हूं। बस वेरिएबल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया, बाकी चीजें तो सेम वही है। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं था, जो नया थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूड, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन को हम क्या करते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, इसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, तो वहीं पे क्या करते हैं, डोमेन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है ब्रांच पॉइंट्स एंड ब्रांच लाइंस, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। हालांकि मैं ये बहुत पहले 3 to 4 years बैक मैंने इस पे एक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बट वहां पे मैंने क्या किया था कि जो थीटा लेते हैं ना यहाँ पे थीटा, ये इसको मैंने इस पे ले लिया था, रिस्ट्रिक्ट किया था मेरे ख्याल से ये इस पे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि जब पोलर फॉर्म में है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि पोलर फॉर्म में थीटा की प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेते हैं, मतलब थीटा जो है इस रेंज में लेते हैं माइनस पाई से पाई के बीच में, ठीक है ना, ये लेते हैं। तो मैं इस पे प्रॉपर तरीके से फ्रेश नया तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। उसमें उस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी था, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पे और अच्छे से मैं कोशिश करता हूँ सेकेंड टाइम प्रिंसिपल आर्गूमेंट लेके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले दो चीजें आप देख लेंगे, आर्गुमेंट वाला वीडियो देख लेंगे जो कि मैंने पीछे अपलोड किया हुआ है, और nth रूट ऑफ यूनिटी, जहां पे मैंने nth रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने आपको अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, पहले ही रिसेंटली मैंने अपलोड किया था, तो उन दोनों वीडियोज को देख के आएंगे तो ये ब्रांच पॉइंट और ब्रांच लाइन्स आपको समझ में आ जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि आप समझ पाए या ना पाए, मुझे डाउट हो, ऐसा कुछ भी नहीं, आप सब लोग एक्सपर्ट है, रियल फंक्शन पढ़ के आए तो उससे लिंक कर लेंगे। ब्रांच पॉइंट्स एंड ब्रांच लाइंस ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।